और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद चार बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है लेकिन संपत्ति 150 करोड़ वो बता नहीं पा रहे। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी पैडी में भी स्कैम हुआ, सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा, अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया, छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया, वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। अभी डीएमएफ में भी मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो सबको पकड़ते हैं, 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते, फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो सारे राजनीतिक सवाल भी पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहां गए भी थे और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ईसीआईआर नंबर के वहाँ पहुँच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहां पहुंच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहां पहुंच गए, मेरे जो ओएसडी है, जो चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिन आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं, उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब यह है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सीबीआई ने आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी, अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में एफआईआर भी होता है और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब यह है कि आईटी और ईडी
दोनों अक्षम है और नकारा है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिला के उद्देश्य ये है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए, एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहाँ से, दो दो बार गए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहीं रात रुकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और चले आते हैं। तो कुल मिला के है कि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के धमका के उसके कार्य को बाधित करके उसको प्रताड़ित करें, और ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोग धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। रात रात भर, मतलब 40-40, 45-45 घंटा लोगों को सोने नहीं दिए। रात को 10-11 बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं, लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे तो सारे जो पूछताछ है वो 11 बजे के बाद शुरू होती है, अमानवीय तरीके से। निरंकुश हो चुके हैं जितने ये लोग संशोधन किए, तो बेतहाशा उनको अधिकार मिला हुआ है और जमानत तो किसी को होना नहीं है। 8-15 दिन, हफ्ते महीने दिन की बात नहीं, आप सालों पड़े रहिए, कोई जमानत उमानत होना नहीं। तो डर यही है, डर ये बताते हैं कि आप हम जो कह रहे हैं उस जो पेपर लिख के लाए हैं उसमें दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो, और नहीं तो आप जेल जाओगे और जेल जाने